कभी आपने सोचा है एक शिप 7 से 8 हजार कंटेनर लेकर चलती है लेकिन फिर भी ये कंटेनर गिरते नहीं, लेकिन क्यों? चलिए मैं बताता हूँ। इन कंटेनर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके कॉर्नर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। इनको बोला जाता है कॉर्नर कास्टिंग, और इनको ऐसा इसलिए बनाया जाता है जिससे कि ये एक दूसरे के साथ अटैच हो सके और लिफ्ट करने में आसानी हो। और ये होता है ट्विस्ट लॉक। जब कंटेनर को शिप पर रखा जाता है तो इनको ट्विस्ट लॉक की हेल्प से एक दूसरे के ऊपर अटैच किया जाता है, और ये ट्विस्ट लॉक शिप के डेक पर भी होता है जो कंटेनर्स को डेक से अटैच करते हैं। अब साइड कंटेनर को अटैच करने के लिए फिटिंग क्लैंप्स का यूज किया जाता है, लेकिन ये सब काफी नहीं है इसलिए डेक पर डेक आई होती है, और इनमें लैशिंग रॉड की हेल्प से कंटेनर्स पर एक फ्रेम बनाया जाता है जिससे कंटेनर्स एक ही पोजीशन में रहे। लेकिन दोस्तों, इतनी प्रिकॉशन लेने पर भी बहुत कंटेनर्स समुद्र में गिर जाते हैं।